फीचर सिलेक्शन या फीचर रिडक्शन में आप नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं या उनमें से एक सबसेट ऑफ फीचर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। जो बहुत फेमस वन है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA जिसको कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द फेमस टेक्निक फॉर फीचर रिडक्शन या फीचर सिलेक्शन। और मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आपके पास अगर रेलिवेंट जो फीचर्स हैं या डुप्लीकेटेड कोई फीचर्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर किया जा सके, आप जस्ट एक स्मॉल सबसेट ऑफ फीचर्स पे फोकस कर सकें। इमेजिन कि आपके पास 30,000 20,000 फीचर्स हैं, ऑब्वियसली बात है आप सभी फीचर्स को एनालाइज नहीं कर सकते और सभी आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं होंगे। तो आप एट अ टाइम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स में इंटरेस्टेड होंगे जो आपको मीनिंगफुल पैटर्न या मीनिंगफुल रिजल्ट्स दे सके। सो हम आज जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एक्सप्लोर करेंगे वो वेका को एक्सप्लोर करेंगे, और वेका में जो है बहुत सारे फीचर सेक्शन के या डायमेंशनलिटी रिडक्शन के, फीचर रिडक्शन के जो हैं वो टू एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड हैं। और सो आई गेस वी शुड स्टार्ट दैट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो वेका मैंने ओपन की हुई है, इसको मैं एक्सप्लोर को इसको ओपन करता हूँ। सो दिस इज एक्सप्लोर। मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने जो की थी फाइल बनाई थी, हमने UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से उसको लेके चलते हैं। सो इसमें 31 एट्रीब्यूट्स थे, यानी 31 फीचर्स हैं, और 569 जो ऑब्जर्वेशन हैं। इसकी मैं क्लास को अगर करूँ तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ये है। सो आप कह सकते हैं कि जो ये रेड क्लास है जिसको यहाँ पे बी कैसे मैंने डेजिग्नेट किया हुआ है, बिनाइन, एम फॉर मैलिग्नेंट। सो दिस इज अ बिट मोर, ठीक है। सो अच्छा, अब बात करते हैं फीचर सिलेक्शन की। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फिल्टर मौजूद है, यहाँ पे आप वेका में फिल्टर मौजूद होता है। आप देखें एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग मेरे पास 31 एट्रीब्यूट्स हैं, 569 जो हैं इंस्टेंसेस हैं। मैं इस पर कोई भी अपना एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ, लेट्स से इसको मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, इस पर मैं एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ, लेट्स से के सी एंट्री जिसको J48 के नाम से यहाँ पे जो मौजूद है इसको अप्लाई किया, तो आपके पास 90.67 जो है वो एक्यूरेसी आ गई। इसकी एक्यूरेसी है बेसिकली, ठीक है, और ये आपका मॉडल आ गया। अब इसको हम प्री प्रोसेस करते हैं। बेसिकली इस फीचर सेक्शन एक प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है, जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया। सो यहाँ पे फिल्टर हैं, बहुत सारे फिल्टर मौजूद हैं, सुपरवाइज्ड हैं, अनसुपरवाइज्ड हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट सिलेक्शन करनी है, हमने इंस्टेंस सिलेक्शन ही एट्रीब्यूट्स यानी एट्रीब्यूट मतलब फीचर्स को सेलेक्ट करना, तो इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट सिलेक्शन के मेथड मौजूद हैं। आप यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट के नाम से होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट दिस। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट को मैं सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको इसके एल्गोरिथम के पैरामीटर्स को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यू कैन से रिक्वायरमेंट। सो ओके किया, अब मैं जब इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने अप्लाई किया, सो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हैं वो उतने ही हैं, 569, लेकिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो हैं वो चेंज हो गए। बेसिकली वेका में आप देखें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वही है दोनों की, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों क्लासों में वही है, लेकिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जस्ट डिफरेंट हो गए। सो इसको अगर हम क्लासिफिकेशन में लेके जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सो
सो इसकी मैं परसेंटेज सेपरेट वही रखता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स. सो आप देखते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो गई है. 90.67 थी, अब 91.7 हो गई है. सो दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन एक्यूरेसी. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. और अगर इसमें कोई और मेथड हमें अप्लाई करते हैं, मसलन रैंडम फॉरेस्ट, तो इसकी एक्यूरेसी ये आ रही है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इसको मैं क्रॉस वैलिडेशन में अगर लेके जाता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन के बारे में हम देख पढ़ेंगे एक दिन कि व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन में. 10th फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में इसकी एक्यूरेसी 96 तक पहुंच गई है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. आप प्री प्रोसेस करके इसको आप इस जो आपने प्री प्रोसेस किया है डाटा, इसको आप सेव भी कर सकते हैं. यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको डॉट अदर फाइल में जो आपकी फाइल जो भी देना है उसमें वो सेव कर लेंगे. सो ये सेव हो गई और आपके पास ये जो आपने फीचर सेलेक्ट किए थे या रिड्यूस किए थे ये आपके पास स्टोर हो गए. सो ये तो हो गया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि बड़ा कॉमन वन है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, लेकिन या फीचर सिलेक्शन के लिए. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ये ऑलमोस्ट क्रैश कर जाता है. आपके पास मेमोरी इनसफिशिएंट हो जाती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस उस पर रन नहीं हो पाता. सो मैं कोई डिफरेंट डेटा सेट इसमें अपलोड करता हूँ अब. ठीक है, मेरे पास कुछ पहले से पड़े हुए डेटा सेट्स हैं. से ब्रेस्ट कैंसर आप देख सकते हैं, इसमें 24,482 फीचर्स हैं और इसकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है. तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ 97 है. ठीक है, तो हम चूंकि एट्रीब्यूट सिलेक्शन कर रहे हैं, फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, सो लेट्स अप्लाई फीचर सिलेक्शन ऑन दिस. तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ. अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. 24,000 फीचर्स जो हैं, दिस इज टू मच फॉर दिस एल्गोरिथम. इट विल टेक सम टाइम, इन सम इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. तो मैं इसको स्टॉप करके कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. माइक्रोवेव डाटा चूंकि हाई डायमेंशन डाटा होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज नॉट अ सक्सेसफुल टेक्निक इन दिस रिगार्ड. वी कैन यूज सम अदर फीचर सिलेक्शन मेथड्स या डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेथड्स. मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें. सो लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे और कौन से मेथड मौजूद हैं. मैं यहाँ पे रैंडम प्रोजेक्शन के नाम से एक मेथड है. और रैंडम प्रोजेक्शन में आप लोग नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जितने आपने डिफाइन करने हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 100 फीचर्स दे सको. ठीक है, तो ओके किया और इसको अप्लाई किया. सो दिस मेथड विल गिव मी 100 फीचर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसको खुद से नंबरिंग दे दी है और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगी. सो मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट ही अप्लाई करता हूँ. फॉर एग्जांपल, सो दिस इज माय एक्यूरेसी. तो हो सकता है कि फीचर रिडक्शन करने के बाद आपके पास एक्यूरेसी कम आ जाए. और अगर मैं इसको वैसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू. ऑल्दो 10-fold क्रॉस वैलिडेशन के केस में 55% एक्यूरेसी आ रही है. सो मैं सिंपल वाले को परसेंटेज सेपरेट को रिमूव कर देता हूँ. इसी तरह अगर हम बात करें सिंपल, जब हमने फीचर सिलेक्शन के बगैर इस डाटा को लिया था
उसमें इसकी एक्यूरेसी क्या आती है, तो लेट्स सी। तो इसमें भी फोल्ड फोल्ड बाय फोल्ड कर रहा है, फोल्ड थ्री फोल्ड फोर पे आ जाएगा एंड इससे 10 फोल्ड्स कंप्लीट होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो ये हमारे पास आ गई। आप देख सकते हैं कि नंबर फीचर्स जब फुल हमने लिए तो उसमें 65% एक्यूरेसी थी, 65.97, और जब फीचर्स कम लिए रैंडम प्रोजेक्शन से जनरेट हुए थे उसमें 55.67। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि इसमें जो फीचर्स इसने बनाए रैंडम प्रोजेक्शन, ये इसने नए फीचर बनाए हैं, कंबाइन किया फीचर्स को, ठीक है। रैंडम प्रोजेक्शन ने फीचर्स को कंबाइन करके नए फीचर्स बनाता है। सो बेसिकली इसका मतलब है ओरिजिनल फीचर्स इसमें लॉस हो जाते हैं और आपके पास नए फीचर बनते हैं, और ये नए फीचर बेहतर भी हो सकते हैं और नहीं भी बेहतर हो सकते, डिपेंड करता है। इस तरह मैं इसको अप्लाई करता हूँ, 1000 फीचर्स मैंने जनरेट किए। तो मैं इस पे दोबारा यही रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया, आप देख सकते हैं एक्यूरेसी जो 100 फीचर्स की निस्बत जो है इम्प्रूव कर गई। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसका मतलब है कि इस डेटा सेट के केस में जब नंबर ऑफ फीचर्स मैंने रिड्यूस किए तो एक्यूरेसी जो है डिक्रीज कर गई एज कम्पेयर टू फुल नंबर ऑफ फीचर्स। सो समटाइम्स आपको एक्यूरेसी बिल्कुल आपको उससे सर्व कर नहीं होता, आपको जस्ट सर्व करना होता है कि व्हाट आर द फीचर्स और उनको इंटरप्रेट आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंटरवल मॉडल्स को देखते हैं ज़्यादा, जैसा J48 है यानी डिसीजन ट्री है, और डिसीजन ट्री को अगर मैं लेकर चलता हूँ मैं इसको परसेंटेज सेपरेटली लेके चलता हूँ 1000 फीचर में, तो आप देख सकते हैं, सॉरी डिसीजन ट्री मैंने नहीं किया था, J48। सो दिस इज द एक्यूरेसी जो कि पहले से, सॉरी ये डिफरेंट डेटा सेट है तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम अंडू कर सकते हैं इसको। मैं ओपन ही कर लेता हूँ फाइल। ठीक है, सो J48 को अप्लाई करते हैं अब। सो आप देख सकते हैं वैसे एक्यूरेसी 48.48 थी अब, और फीचर सिलेक्शन के बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई थी 1000 फीचर जब मैंने लिए थे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और समटाइम्स डिपेंड करता है कि आप क्लासिफिकेशन के लिए या मॉडल बिल्डिंग के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो है और आपके डेटा सेट के मुताबिक उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। सो इन दी एंड जाहिर बात है अगर डेटा सेट की वैल्यूज बहुत उसकी उसकी वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ मैटर करता है कि वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप के जो है ना रिजल्ट्स आएंगे। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम यू यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बेस नेट से नाइफ बेस में यूज करता हूँ। सो आप देख सकते हैं नाइफ बेस के केस में 57.57 एक्यूरेसी है, जबकि J48 के केस में यानी डिसीजन ट्री के केस में 48.48 थी, जो कि इसका मतलब नाइव बेस में अच्छा परफॉर्म किया है सेम डेटाबेस डेटा सेट पे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। और आप इसमें आज मैंने आपको जो दिखाई फीचर सिलेक्शन या फीचर रिडक्शन भी आप कह सकते हैं, इसे डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी कहते हैं। डायमेंशन हम एट्रीब्यूट्स को या फीचर्स को कहते हैं
नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा हों तो उनको कम करने के लिए. तो इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग फॉर फीचर सिलेक्शन या डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एंड सेकेंडली व्हाट क्लासीफायर यू आर यूजिंग टू बिल्ड द मॉडल, और उसमें भी आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं. 10-fold cost validation है, ठीक है, परसेंटेज सबमिट है, क्या है परसेंटेज सबमिट है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आएंगे. सो यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क.